तो फाइनली जन्माष्टमी का दिन आ चुका है और फेस्टिवल का मतलब होता है घर को सजाना, पकवान बनाना, खुश रहना। तो मैंने भी यहाँ पर अपने लाइट्स वगैरह एक दिन पहले से ही चेक करने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ मैं एक मोर पंख बना रही हूँ जिसको मैं अपने कान्हा जी के साथ रखूँगी। छोटा सा मोर पंख मैं बना रही हूँ। और इसमें जो आज का जो वीडियो है ना, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग मेरी पहले की है, एक दिन पहले की, और कुछ सेम डे की है। तो मैं ये सारे वीडियोस यहाँ एक साथ ही डाल रही हूँ क्योंकि आज का दिन मैंने कुछ तैयारियाँ इसीलिए पहले से की ताकि मैं आज का दिन जो है आराम से सेलिब्रेट कर सकूँ। प्लस ये बहुत ही सबका दिन बहुत ही बिजी होने वाला है, तो ये कृष्ण जन्म से पहले की एक फटाफट वाली वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे चाशनी बनाना शुरू किया क्योंकि बाद में मुझे दूध वगैरह भी उबालने हैं और भी चीज़ों को बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने मेज़रमेंट से 3 कटोरी चीनी ली है जिसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर केवल चीनी को घुला लूँगी क्योंकि मुझे चाशनी बनाना है और फिर चाशनी बना करके और बादाम वगैरह पागना है। तो मैं यहाँ पर वैसा ही कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है ताकि चीनी घुल जाए। और इस बीच में मैं क्या करूँगी ना, और भी जो चीज़ें करने की, जैसे कि मैं यहाँ पर बादाम को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बादाम पापड़ी बनानी है आज, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक एक करके काम कर रही हूँ, बीच बीच में ये काम कर रही हूँ, बीच बीच में वो काम कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी मैं ऐसे ऐसे करते जा रही हूँ। आप भी क्या करते हो ये मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर जो है ना, जैसे चाशनी हमारी होती है ना, वो थोड़ी सी इसका कलर जो है ना थोड़ा सा डार्क होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, एक कटोरे में थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ा पानी मिला के चाशनी में डाल रही हूँ ताकि उसकी गंदगी जितनी है ना चाशनी की वो निकल आएगी। अभी आप देखोगे ना, ये जब बॉईल हो जाएगी तो सारी की सारी गंदगी जो है ना इस तरह मैं कटोरे में अलग से निकाल लूँगी और चाशनी का कलर जो है ना हमारा काफ़ी क्लियर हो जाएगा, जो कि जब हम इसको बादाम पापड़ी बनाएंगे या फिर हम आगे जो भी मिठाई बनाने वाले हैं उन सब में जब हम इस चाशनी को यूज़ करेंगे तो उसका कलर काफ़ी खूबसूरत आएगा और वाइट कलर आएगा। तो देखिए इस तरह से आपको जो है ना इसकी सारी गंदगी को एक कटोरे में निकाल लेनी है। तो ये ट्रिक मैंने पहली बार किया और देखना चाह रही थी मैं कि कैसे हो रहा है और काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आया, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपको एक बॉईल करने के बाद इस तरह से सारी गंदगी को एक कटोरे में अलग से निकाल लेना है और आप देख सकते हैं चाशनी का कलर कितना क्लियर हो गया है। तो यहाँ मेरी चाशनी जो है बन के रेडी हो गई है। इसमें कोई तार नहीं बनानी है, जस्ट इसको चीनी को घुलाना है। फिर मैं एक कढ़ाई में ना इस चाशनी को अपनी ज़रूरत अनुसार ले रही हूँ और इसको तब तक मैं बॉईल करूँगी जब तक कि इसमें एक या दो तार नज़र ना आने लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने जो यहाँ पे बादाम भुने थे ना इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और छिलके उतारने के बाद मैं इसमें जो है, देखिए इस तरह से बिल्कुल तार नज़र आने लगेंगे। उसके बाद जो है मैं इसमें बादाम को डाल दूँगी और डाल करके इसको अच्छे से मिला करके इसको घी लगे हुए एक प्लेट में जो है डाल के इसको जमा दूँगी ताकि ये बादाम के पापड़ी की तरह मेरा बन जाए, बिल्कुल इस तरह से। और ये जो मैंने प्लेट लिया है इसको मैंने पहले से ही घी लगा के रखा था। आप कोई सा भी मतलब ऑयल या घी जो भी लगाते हो, व्रत में तो वैसे घी ही लगाई जाती है, तो वो करके आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ ढेर सारे मेवे लिए हैं और इन सबको मैं घी जो डाल के और उसमें जो है फ्राई करूँगी। सारी चीज़ों में मैं बादाम को फ्राई कर रही हूँ, मगज़ को फ्राई कर रही हूँ तो, और काजू को फ्राई कर रही हूँ, जितने थे मेरे पास मैंने लिए। किशमिश वगैरह मैं यहाँ पे फ्राई नहीं करूँगी, तो इन सब चीज़ों को मैं इस तरह से घी में डाल के फ्राई कर लूँगी। वैसे भी हम जो भी चीज़ें बनाते हैं व्रत के दिन, उस दिन तो घी का यूज़ अच्छा से होता ही है, तो हम सब भी थोड़ा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा एक दिन अपने डाइट को छोड़ देते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँगी और इसको भी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बादाम को पागा है उसी तरह से मैं इन सब चीज़ों को भी चीनी की चाशनी बना के, और चीनी की चाशनी जो बनाई है उसको मैं अच्छे से तार लगा के और उसमें डाल के और सबको जो है मैं इस तरह से जमा दूँगी। जमाना है मुझे लेकिन मुझे पापड़ी नहीं बनानी थी, मुझे छोटे छोटे चंक्स में बनाने थे इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा इस तरह से किया। आप देखोगे मैंने आगे कैसे किया। और यहाँ पे मैं पहले क्या कर रही हूँ ना, इस सब चीज़ों को जो बड़े बड़े हमारे मखाने वगैरह हैं उन सबको मैं तोड़ रही हूँ हाथ से और फिर मैं इसको चीनी में इस तरह से डाल के इसको भी पाक दूँगी। मेरा ये मंदिर का जगह है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी रखी हुई हैं, यहीं पर मैं करने वाली हूँ अपने झूला का, जो भी मैं लगाने वाली हूँ यहीं पर करूँगी। तो आज मैं ये इसी को मैं डेकोरेट करने वाली हूँ
और ताकि मेरा थोड़ा काम कम हो जाए। वैसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम डे भी मैं कर सकती थी लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन पहले ही कर लेते हैं। फ्लावर वगैरह मेरे पास पड़े हुए थे, पुराने हैं, पिछले साल भी मैंने इसको यूज़ किया था, इस साल भी मैं इसको यूज़ करूँगी पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ करके, और फिर यहाँ के एरिया को मैं डेकोरेट करूँगी। अभी उसके बाद ये झूला के लिए मैंने बनाया था, वहाँ पे मैं झूला लगाने वाली हूँ तो वो मैं यहाँ पर ऐसा एडजस्ट कर दूँगी। अभी ये तो सारा कुछ डेकोरेट हो गया है, उसके साथ साथ जो भी मुझे पूजा के लिए कल जो भी बर्तन निकालने थे वो भी मैंने निकाल लिया है। जैसे मेरे पास कान्हा जी की ये छोटी सी ग्लास है और दो कटोरे भी है छोटे छोटे, तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी है उनके लिए। ये सब कुछ बस इसको साफ़ करना बाकी रह गया है, इसको मैं क्लीन करूँगी फिर रात को इसमें ही मैं भोग लगाऊँगी। तो यहाँ सारे पकवान बन चुके हैं, बादाम पापड़ी बन चुकी है, मेवा पाक हो चुका है, फिर साबुदाना बन चुका है, धनिया की पंजीरी बन चुकी है और नारियल के लड्डू भी बन चुके हैं भाई, और यहाँ पे सबसे प्रिय उनका माखन मिश्री भी बन चुका है, फल भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो बस अब ये सारी तैयारियां तो हो चुकी हैं और कान्हा जी का भी मैंने मेकओवर कर लिया है अपने, लेकिन भाई अब उनके दर्शन तो उनके जन्म के बाद ही होगा, तो रात को मैं पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी, फिर उनका अभिषेक करेंगे और फिर नए वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।